दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप एक चीज तो जानते होंगे कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे आप अपने ही वीडियो खुद से अपने मोबाइल में नहीं देख सकते। अगर आप लोग अपने ही वीडियो अपने ही फोन में देखते भी होंगे तो यूट्यूब का ये एक गाइडलाइन पॉलिसी जो है ना उनका आप उल्लंघन कर देते हो। यूट्यूब आपको एक मेल भी डाल सकता है कि भाई हमारी जो गाइडलाइन है आपने उसका उल्लंघन कर दिया है, आप अपने ही अकाउंट से अपने वीडियो को देख रहे हो अपने ही मोबाइल पे, दैट इज रॉन्ग। तो इस चीज से कैसे बचना है, कई बार क्या होता है कि कोई हम लोग चाहते हैं कि यार हमने 2 महीने पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसको देखना चाहते हैं। अब 2 महीने पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था अब तो हम भूल गए कि उस वीडियो में हमने क्या चीज बताई, क्या है कुछ भी है, हम उसको देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपको अपने किसी वीडियो पे आपको देखना है कुछ, आपको जो भी आपका मन हो आपको वीडियो देखना है, तो आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर देना अपने दूसरे मोबाइल पे, फ्रेंड के मोबाइल पे, घर में किसी दूसरे मोबाइल पे, आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आपको अपने ही मोबाइल पे या फिर अपने ही लैपटॉप पे अपना वो वाला वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपका चैनल डाउन हो सकता है, यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा, चैनल डाउन हो सकता है, व्यूज कम हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हो दूसरी डिवाइस पे, आप उसको देख सकते हो। अदरवाइज आपको आपके पास दूसरी डिवाइस भी नहीं है और आपके पास एक ही मोबाइल है और उसी मोबाइल पे आपको अपना वीडियो देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं, वीडियो के साथ दोस्तों लास्ट तक बने रहना, वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, इसी प्रकार के टेक्निकल वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने बाइटी स्टूडियो में चले जाना है, उसके बाद मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो गाइज हम अपने वाईटी स्टूडियो में आ गए हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे अपना वीडियो प्ले करना है। अपने डिवाइस पे आप प्ले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, वो व्यूज काउंट नहीं आएगा। तो जैसे कि मैं कंटेंट में चला जाता हूँ और कोई भी ये वाला पहला वाला दूसरा वाला वीडियो ले लेता हूँ मैं, इसको मैंने क्लिक किया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके गो टू वीडियो एनालिटिक्स पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन आ रहा है तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, और ऑडियंस रिटेंशन पे जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ये ब्लैक स्क्रीन पे आप अपना वीडियो प्ले कर सकते हो। यहाँ से अगर आप वीडियो प्ले करोगे तो आप अपनी डिवाइस से ही अपना वीडियो प्ले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये व्यूज़ काउंट नहीं होगा क्योंकि आप वीडियो का एनालिटिक्स चेक कर रहे हो, ना कि आप वीडियो अपना प्ले कर रहे हो। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव, आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा, तो आपने देखा दोस्तों हम बाईटी स्टूडियो से अपना वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, और अगर आपको जब भी अपना वीडियो प्ले करना है तो आप इसी तरीके को यूज करें। आप दूसरे तरीके से यूट्यूब पे क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियो प्ले ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो पे यहाँ पे ओपन करके डायरेक्ट ये जो कोने में यूट्यूब का बटन है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और डायरेक्ट यूट्यूब पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, और YouTube पे रिडायरेक्ट होके यहाँ पे वीडियो प्ले करके देखते हैं, यहाँ पे नहीं देखना है दोस्तों। मैंने आपके लिए एक बार कर दिया है, लेकिन इस प्रकार से आपको वीडियो नहीं प्ले करना है, जो मैंने बताया उसी ट्रिक को फॉलो करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नए वीडियो में।